बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग और मसूर की दाल तड़के वाली। ये दोनों दालें मैंने बराबर बराबर ले ली हैं। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। इन दोनों दालों को मैं मिक्स करके धो लूँगी। चलते हैं कुकिंग की तरफ। मूंग तड़का दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन चूल्हे कुकर मैंने चूल्हे पर चढ़ा लिया। इसमें मैं 1 कप ऑयल लूँगी। सबसे पहले हम तड़का लगाएंगे। चॉप की हुई 1 अदद प्याज है, प्याज को सोते करेंगे हम। अब मैं डालूंगी 3 अदद हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के, इनको भी सोते करूंगी। 30 सेकंड सिर्फ हमने हरी मिर्च को सोते किया। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दूंगी। 30 सेकंड इसे सोते करूंगी। हाफ टी स्पून राई दाना, 1 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत ज़ीरा, 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करें। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, चॉप किया हुआ टमाटर है 2 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टेबल स्पून नमक। मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। 1 चम्मच पानी का डाल दूंगी मैं ताकि मसाला जले ना हमारा। मसाला हमारा भुन चुका है। मूंग और मसूर की दाल मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने अच्छे से धो ली है। एक मिनट तक दाल को हम फ्राई करेंगे मसाले में। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। इसे हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। इस सीटी के चलने के बाद 3 मिनट तक हम पकाएंगे। कुकर की सीटी को चलते हुए 3 मिनट हो गए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसकी गैस निकलने के बाद मिलते हैं। कुकर मैंने खोल लिया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी 5 मिनट में मूंग मसूर की दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, एक माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल तड़के वाली तैयार हो गई है। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। जी दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।